अम्बली कोर्ट के सामने दरमियान जमा हुए हैं एक कॉज के लिए, जो ऐसा कॉज है जो हम जो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो गवर्न करते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सख्त प्रेस नोट जारी करते हुए एडवोकेट्स को सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ना प्रेस नोट जो है ना इशू किए हैं, उसमें जो है ना जो एट्रोसिटी हो रही है एडवोकेट्स के खिलाफ सारे मुल्क में, कहीं एक शहर या एक रियासत नहीं, सारे मुल्क में जो एट्रोसिटी हो रही है उनके खिलाफ एक प्रेजेंटेशन जो है ना प्रेस रिलीज के ज़रिए दिए हैं, और जो आने वाले दिनों में जो सिस्टम बिल्कुल वर्चुअल होने वाला है, यानी जो मोबाइल टू मोबाइल या फिर जो है ना व्हाट्सएप पे जो होने वाला है, जो जिसका जो है ना अभी पाइपलाइन में जो है ना है प्रपोजल, उसको भी जो है ना हमारे चेयरमैन साहब, हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन साहब जो है ना लेटर लिख के बोले हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इन फ्यूचर भी ये जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो है ना एक सख्त अल्फाज भी जो है ना उसमें है कि अगर गवर्नमेंट इसमें वकीलों के तहफ़ में अगर जो है नाकाम रही, तो हमारे बार को रोड पे आने के अलावा कुछ रास्ता नहीं रहेगा। ये जो है ना हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने बाज़ाबता जारी किया है प्रेस नोट, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हुए, वेलकम करते हुए कि हम जो है ना वो बॉडी के जो है ना गवर्न में, हम अंडर में जो है ना रूल में काम करते हैं, हमें बहुत फख्र हुआ। उसी सिलसिले में हम उनको BCI को जो है ना वेलकमिंग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें जमा हुए हैं आज। शुक्रिया। In recent times, the tax on advocates has been increased. I would like to mention about the two incidents. Number one is which has happened in Etawa. The senior advocate has been attacked by break opening the door and mercilessly beaten by the Uttar Pradesh police. And second incident is regarding the attack on Muhammad Pracha. He is a defense counsel in Delhi. And advocate community is not going to tolerate this kind of attacks by the police. We strongly condemn the issue and we demand to take stern action upon the erring police officials. Thank you.